आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में, जिन एक्सचेंज पे हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं या फिर जिन एक्सचेंज पे हम अपने क्रिप्टो को होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या फिर कुछ इंटरेस्ट कमाने के लिए हम वहाँ पे अर्न पे लगाते हैं, क्या वो एक्सचेंजेस यहाँ पर सेफ है, क्या ये एक्सचेंजेस फिर से FTX की तरह यहाँ पे कर सकता है, इसके ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। तो जो भी यहाँ पर पहलू है, चाहे FTX के इंसॉल्वेंट के बारे में या फिर आप जो भी क्रिप्टो आप एक्सचेंजेस पे होल्ड कर दे उसके बारे में, तो उसके ऊपर यहाँ पर बात करेंगे कि बेसिकली FTX के इंसॉल्वेंट से हमें यहाँ पर क्या सीखनी चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक देखनी है। अगर आप किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हो तो इसके थ्रू आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से आपको अपने ट्रेडिंग को प्लान करनी चाहिए। सबसे पहले हम एक्सचेंज के बारे में समझते हैं। जैसा कि एक्सचेंज पे प्रोग्राम चलती है कि आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, आप अपने अमाउंट को क्रिप्टो को होल्ड कर सकते हो और होल्डिंग के दौरान आप उसे APY पे लगा सकते हो। अब APY में क्या होता है कि आपको एनुअली मंथली आपको इंटरेस्ट मिलती है और आप उस इंटरेस्ट के लिए अपनी क्रिप्टो को वहाँ पर होल्ड करते हो। अब जाहिर से बात है कि अगर आपने APY के लिए वहाँ पे लगाया है तो जो भी एक्सचेंज है वो उस फंड को यूज करेगी। जस्ट लाइक आप बैंक को जानते हो कि बैंक में आप अपने अमाउंट को वहाँ पे होल्ड करते हो, अकाउंट बनाते हो और अकाउंट बनाने के बाद आप अपने अमाउंट को, आपके पास जो भी पैसे होते हैं आप वहाँ पर डाल देते हो। बैंक क्या करती है कि उसे वहाँ पर यूज करती है, लेकिन चूंकि अब बैंक यहाँ पर रेगुलेटेड होती है तो वो गवर्नमेंट के प्रति यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है। गवर्नमेंट वहाँ पर उसे नज़र रखता है कि बैंक उस फंड को कैसे यूज कर रहा है। हालांकि स्कैम होते हैं लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है और वो वहाँ पर आपके फंड को मैनेज करती है। जब भी ऐसे स्कैम होते हैं तो वहाँ पर आपके फंड को देने की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर रखती है। लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंज में क्या होता है, क्रिप्टो एक्सचेंज अनरेगुलेटेड होते हैं, तो जाहिर से बात है कि इन चीज़ों का ये एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठाती है। और जो भी हम यहाँ पर क्रिप्टो को होल्ड करते हैं या फिर APY पे लगाते हैं वो उसे वहाँ पर दूसरे कॉइन्स पे, टोकन्स पे यहाँ पर लगाती है। और ख़ास करके वो जो आपके पास होल्डिंग होते हैं, वो जो उसके पास जो हम APY के लिए लगाते हैं, इंटरेस्ट पे लगाते हैं, वो एक निश्चित टाइम के लिए एक लॉक हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, जो एक्सचेंज होते हैं वो उस क्रिप्टो को अदर्स कॉइन्स पे लगा देते हैं। जैसा कि हमने अक्सर देखा है, अक्सर सुना है कि बाइनेंस इस कॉइन पे इन्वेस्ट करने वाला है। FTX में हमने सुना कि वो APT कॉइन पे इन्वेस्ट करने वाला था, इन्वेस्ट किया है। इसके बाद सोलाना पे भी इसने इन्वेस्ट किया है। तो बेसिकली ये जो एक्सचेंज इन्वेस्ट करते हैं वो किसका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो हम लोगों की जो फंड हम लोग वहाँ पर APY के लगाते हैं वो उस फंड को वहाँ पर इन्वेस्ट करती है। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है उसके नेटिव टोकन पे। अक्सर वो क्या करते हैं, इस फंड को वो अपने नेटिव टोकन पे यूज करते हैं ताकि उसे यहाँ पर पंप किया जा सके। तो इस तरह के सिस्टम यहाँ पे चलती है। अब चूंकि ये अनरेगुलेटेड है तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चल पाता। अब FTX में क्या हुआ कि जो लोगों ने यहाँ पर अपने फंड यहाँ पे रखे थे, अब कई सारे लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं, कई सारे लोग APY लगाते हैं, इंटरेस्ट पे लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है सभी एक्सचेंज पे ये चलती है। FTX ने इस फंड का 41% जो है वो अपने नेटिव टोकन FTT टोकन पे यहाँ पे होल्ड कर रखा था। तो FTT टोकन का प्राइस काफ़ी डाउन आ चुका था जिस कारण से जो उसकी बैलेंस शीट थी वो यहाँ पर अनबैलेंस हुई। अब अनबैलेंस होने से CZ Binance ने भी यहाँ पर इसे ट्वीट कर दिया और ये ट्वीट जैसा ऐसा समझो ट्वीट आग में घी की तरह काम की और तुरंत इस जो एक्सचेंज था ये एक्सचेंज तुरंत ही यहाँ पर इंसॉल्वेंट हो गई। तुरंत ही इस एक्सचेंज की जो नेटिव टोकन थी वो यहाँ पर डाउन जाने लगी। तो यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम है ये अगर हम समझें तो क्रिप्टो मार्केट अनरेगुलेटेड है। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें हाइप काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे CZ Binance ने ट्वीट की तो ये बहुत बड़ा एक आप जैसा कि मैंने आपको बताया आग में घी की तरह काम की। तो इस ट्वीट के बाद क्या हुआ कि लोग अपने फंड को विड्रॉल करने लगे, मार्केट में हाइप बनी कि हो सकता है कि FTT टोकन FTX के पास फंड ना हो और वो बाद में विड्रॉल ना दे पाए। तो इसलिए यहाँ पर विड्रॉल काफ़ी ज़्यादा एक बड़े अमाउंट में विड्रॉल जाना शुरू हुआ और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर क्लियर हो चुकी थी कि FTX के पास फंड नहीं है और वहाँ से फिर विड्रॉल भी बंद हुए। अब विड्रॉल नहीं थे तो जाहिर सी बात थी कि नाटक ड्रामा चलना शुरू हुआ कि FTX यहाँ पर हैक हो गई, FTX ये हो गया। लेकिन अगर हम रियल रीजन अगर हम समझे तो FTX के पास या तो फंड नहीं थी या फिर इन बड़े लोगों के जो मन में बेईमानी थी वो ही हमें यहां पर दिखी और ये अलग अलग तरह का हमें रीजन दिखाया गया कि FTX हैक हुई है। बट ऐसा कुछ आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ है, इनको विड्रॉल नहीं देना था क्योंकि हो सकता है इसके पास फंड नहीं होंगे या फिर इनके मन में एक बेईमानी थी कि चलो लास्ट टाइम है यहां से कुछ हम लूट लेते हैं।
तो ये चीज़ हुई। और अब हम यहाँ पर देखें तो FTX अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और कई सारे लोगों की अगर इंडियंस की ही बात करें तो बहुत सारे फंड यहाँ पर बेकार हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों का फंड यहाँ पर जो विड्रॉल थी वो यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। तो इसके बाद सभी एक्सचेंज ने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व यहाँ पर दिखाए हैं कि उनकी क्या होल्डिंग है, लेकिन आपको इससे क्या सीखना चाहिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें कि कौन से एक्सचेंज यहाँ पर सेफ है, तो मेरे हिसाब से आप किसी भी एक्सचेंज को सेफ नहीं कह सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये मार्केट अनरेगुलेटेड है, तो इसका बेनिफिट ये उठाते हैं। कभी भी अगर कोई बड़ा सा हैकिंग हो या कुछ भी हो या फिर इनके मन में कोई बेईमानी हो, तो ये यहाँ पर बता देंगे कि हमारे फंड यहाँ पर हैक हो चुके हैं और यहाँ पर मैं दिवालिया हो चुका हूँ, इस तरह से ये बता सकते हैं। साथ में अगर हम दूसरी यहाँ पर बात करें तो अक्सर आपने देखा है कि एक्सचेंजेस पे APY होती है, ईयरली आपको 200% मिलता है, ईयरली आपको 50% मिलती है, ईयरली आपको 10% ही मिलती है। तो हम क्या सोचते हैं कि चलो हम अपने क्रिप्टो को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दें, तो क्यों ना यहाँ पर हम APY पे लगा दें। बट ये क्या करते हैं कि हमारे फंड को बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से हमने देखा है कि ये इसे यूज कर दें। तो जाहिर सी बात है कि अब हमें यहाँ पर समझ में आ चुकी है कि जो एक्सचेंजेस पे APY दिखती है वो बहुत ही रिस्की होती है, और मे बी कि आने वाले टाइम पे फिर से आपको FTX जैसा देखने को मिले। हालांकि अगर हम ट्रस्ट के बारे में बात करें तो बाइनेंस पे जो कि वर्ल्ड की नंबर वन एक्सचेंज है उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब हम इस FTX के इंसॉल्वेंट के बाद हम ट्रस्ट पे नहीं बल्कि हम लॉजिक पे यहाँ पे वर्क करेंगे। और लॉजिक यहाँ पर यही होगी कि हम ट्रेडिंग के लिए ही इन एक्सचेंजेस को यूज करेंगे, मतलब आप चाहे अगर तो यहाँ पर जो 10-15-20% का हम APY सोचकर ईयरली होल्डिंग करते हैं वो आई थिंक आपको नहीं करना चाहिए। जो भी आपकी होल्डिंग हो वो आपको जो हार्डवेयर वॉलेट है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर वॉलेट है, आप उसमें कर सकते हो। अब बेटर अगर आप हार्डवेयर वॉलेट को चूज करते हो, जो कि मैं यहाँ पर सेपल को यूज करता हूँ और ट्रेजर को यूज करता हूँ, तो अगर आप चाहो तो उस पर यूज कर सकते हो, और अगर उसकी आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पर भी यहाँ पर बता सकते हो। बाकी अगर हम बात करें किस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो अगर आपको रेगुलर जैसे कि आप फ्यूचर ट्रेड करते हो, तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड बराबर करते हो तो उसके लिए आप बायबिट को यूज कर सकते हो और साथ में आप बाइनेंस को यूज कर सकते हो। जो तो मेरे ख्याल से जो आप फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आप प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हो उसमें बायबिट एंड बाइनेंस बेटर है। साथ में अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो तो स्पॉट ट्रेडिंग में आप बाइनेंस को चूज कर सकते हो और कुकॉइन को चूज कर सकते हो। दूसरी अगर रीजन हम बात करें कुकॉइन को चूज करने के लिए, तो कुकॉइन में कई सारे लो कैप टोकन्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि 2-3 दिन में ही 200%, 300%, 500% का पंप हो जाती है, तो उसके लिए आप कुकॉइन को यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन एक्सचेंजेस को ट्रेडिंग के लिए ही यूज करना है, ना कि आप यहाँ पर होल्डिंग के लिए यूज करो। और ख़ास करके जो APY होती है उससे आपको दूर ही रहनी चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि साल में यह हमें 10% का रिटर्न देगी, 10% हमें यहाँ पर मिलेगा, बट एक्चुअली में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्सचेंज उन फंड को कहीं भी यूज कर सकती है और ये अपने नेटिव टोकन को भी पंप करवाने के लिए यूज कर सकती है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ट्रस्ट नहीं है, और कोई चूंकि कोई अनरेगुलेटेड मार्केट है तो इसका ये भरपूर फायदा यहाँ पर उठाती है। कई सारे लोग ये भी कहेंगे कि FTX को आपने प्रमोट किया, या फिर बहुत सारे यूट्यूबर, क्योंकि वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज से सभी लोगों ने प्रमोट किया। तो मैं आपको बताऊं कि अपनी क्रिप्टो हिस्ट्री में मैंने इस तरह से कभी नहीं देखा कि इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट फेल हो जाएंगे। जैसा कि हमने लूना को देखा है, लूना की एक बहुत बड़ी मार्केट कैप थी, USDC उसकी खुद की स्टेबल कॉइन चल रही थी, डिसेंट्रलाइज थी, और क्रिप्टो मार्केट में डिसेंट्रलाइज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो लूना इस तरह से क्रैश हो सकती है। FTX जो कि इतनी बड़ी एक्सचेंज है वो क्रैश हो सकती है। तो यहाँ से मैंने भी कुछ चीज़ें सीखी है कि यहाँ पे किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता क्रिप्टो मार्केट पे, सिर्फ BTC Ethereum पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी जो भी है इस इंडस्ट्रीज को आप ऐसा समझो कि आपको इससे पैसे बनाने हैं, और बनाने के बाद आपको उसे हटा लेनी है, आप अपने फंड को यहाँ पर पूरी तरह से हटा लो और खास करके प्रिंसिपल को सेफ रखने की कोशिश करो। बाकी आपको अगर हार्डवेयर वॉलेट की डिटेल्स चाहिए, लेजर की, चाहे वो ट्रेजर की हो या फिर सेपल वॉलेट की, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको टोटल डिटेल्स में बताऊंगा किस तरह से आप उसे यूज कर सकते हो, कैसे आपको बाय करनी है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।